तो यहाँ पर हम बता दें, यहाँ से जो है कि गिट्टक, ये देखिए जो लाइन क्लियर हो चुकी है और आगे के साइड में ये गिट्टक जा रहा है जो फाइनल। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज हम लेकर आ चुके हैं कोपागंज रेलवे स्टेशन का अपडेट। और इस अपडेट में आज हम बहुत तगड़ा अपडेट आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना आपको बिना स्किप किए। इस वजह से जो है कि मैं बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो आप देखिएगा, काफ़ी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। और कोपागंज रेलवे स्टेशन से लेकर इंदारा तक जो कि सारा कुछ अपडेट हम देंगे, तो मगर अभी जो है कि फ़िलहाल में जो है कि ये कोपागंज रेलवे स्टेशन का अपडेट हम दिखाएंगे। और नेक्स्ट टाइम में जो है कि वीडियो जो आएगी वो इंदारा की वीडियो आएगी। तो यहाँ से हम बता दें, यहाँ से दिखाते आपको, ये देखिए इस टाइम में यहाँ से आगे के साइड में कोपागंज रेलवे स्टेशन पर पूरा वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। और बता दें कि आगे हम थोड़ा सा चलकर जो है कि पूरा अपडेट आपको क्लियर हम दिखाने वाले वीडियो में। और आगे के साइड में वो जो दिखाया वीडियो में वो सारा कुछ आगे वर्क चल रहा है। तो आइए बैक कैमरे से जो है कि पूरा वीडियो आपको दिखाने का अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं, और क्या कुछ अपडेट है सारा हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम बता दें, यहाँ से जो है कि गिट्टक, ये देखिए जो लाइन क्लियर हो चुकी है और आगे के साइड में ये गिट्टक जा रहा है जो फाइनल हो चुका है, जो ये देखिए किस तरह से इस पर चलाया जा रहा है हम दिखा रहे हैं यहाँ से। और पूरी जानकारी हम जो है कि इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और आगे के साइड में पूरा वर्क चल रहा है, तो सारा कुछ अपडेट हम क्लियर करेंगे आज। और कोपागंज से लेकर इंदारा तलक जो है कि कितना काम हुआ है सारा कुछ अपडेट हम आज देने वाले हैं। तो वीडियो आज की काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। तो ये देखिए, ये आगे के साइड में लेकर जाया जा रहा है। और हम इस टाइम जो है कि कोपागंज के स्टेशन पर वहाँ पर हैं, और ये हम पूरा आज लाइन क्लियर करने वाले हैं और सब कुछ अब दिखाने वाले हैं कितना काम हो रहा है। और ये, और यहाँ से हम बता दें कि यहाँ पर देखिए इस ट्रैक्टर ट्राली वाले से जो है कि यह गिट्टक पूरा पहुँचाया जा रहा है और लोडिंग यहाँ से किया जा रहा है आगे के साइड से। ये देखिए यहाँ से जो है कि GSB से जो है कि लोडिंग किया जा रहा है पूरा इसमें, और आगे के साइड में लेकर जाया जा रहा है। आगे के साइड में काम चल रहा है, तो आगे के साइड में हम चलकर जो है कि पूरा वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। तो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हम बता दें कि यहाँ पर देखिए गिट्टक किस तरह से जो कि ट्रैक्टर से लेकर जाया जा रहा है, सब कुछ इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। और बता दें कि ये देखिए हम दिखा पा रहे हैं आपको इस वीडियो में, और पूरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे आज। यहाँ से थोड़ा सा पहले दिखाते हैं जूम करके, ये देखिए। और ये हम अपने कोपागंज का दिखा रहे हैं कि यहाँ से पूरा वर्क चल रहा है। और तकरीबन जो है कि हम यहाँ पर आए थे तकरीबन 20 दिन पहले, तो यहाँ पर वर्क चल रहा था और ये पार्टीशन ये बनाया जा रहा था। तो जो आगे के साइड में बन रहा है वो हमने दिखाया था, ये देखिए ये पटिया लग रहा है आगे के साइड में, तो वो सारा कुछ हमने दिखाया था वीडियो में। मगर आज हम चलकर जो है कि पूरा इस वीडियो में क्लियर दिखाने वाले हैं कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। तो यही सब सारा अपडेट चल रहा है, तो आइए देर न करते हुए लेकर चलते हैं वहीं पर, और सारा कुछ वीडियो आपको अच्छे तरीके से जो है कि दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड, जो कि हम आ गए यहाँ पर कोपागंज रेलवे स्टेशन पर, और अपडेट हम देने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और ये देखिए, ये पटिया लगाया जा रहा था तकरीबन हम जब 20 दिनों पर आए थे पहले, तो ये पटिया लगाया जा रहा था। और इस पर यह पटिया लगाने का काम जो है कि समझो कि 80% तलक जो कि सिर्फ पटिया का काम हो चुका है। आगे के साइड में ये लास्ट तलक जो है कि थोड़ा सा बाकी है, वो आज से कल तलक जो है कि पूरा ये पटिया लगकर फाइनल हो जाएगी, और उसके बाद से जो है कि ये पूरा फर्श बनाया जाएगा, कंक्रीट किया जाएगा। और क्या कुछ अपडेट चलते रहता है सारा कुछ हम क्लियर करते रहते हैं। और ये पटिया देखिए, ये आगे के साइड तलक पूरा वो लास्ट वाले गेट तलक जो है कि वहाँ तलक जो है कि फाइनल लगा दिया गया है। और क्या कुछ बिल्डिंग पे अपडेट चल रहा है सारा कुछ बिल्डिंग पे अपडेट हम चलकर जो कि इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर बता दें, यहाँ पर भी 3 लाइनें बनेंगी, मगर फ़िलहाल में जो है कि अभी 1 लाइन बनी हुई है, तो इस पर काम किया जा रहा है। और जैसे कोई अपडेट अगर निकल कर आता है नया, तो हम बराबर कंटिन्यू अपडेट आपको बराबर देते रहते हैं। और आगे के साइड में हम चलेंगे वहाँ तलक चलेंगे, और वहाँ तलक जो है कि जाकर सारा कुछ अपडेट हम क्लियर बताएंगे।
और जो कुछ नया अपडेट चलते रहता है सारा हम देते रहते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम चलकर वहाँ पर बिल्डिंग पर देख लेते हैं क्या कुछ अपडेट चल रहा है। तो यहाँ से हम बता दें कि यहाँ तक जो कि हम आ चुके हैं बिल्डिंग के पास, और अंदर के साइड में भी चलकर हम जो कि दिखाएंगे आपको, और जो कुछ भी हमने पहले अपडेट दिखाया था सारा कुछ सेम वही है। थोड़ा सा इससे वर्क किया जा रहा है प्लास्टर का, और ये सीढ़ी उड़ी का पूरा जो है कि आप देख पा रहे होंगे पूरा काम किया गया है, प्लास्टर भी कर दिया गया है, और ये तकरीबन बिल्डिंग 100% फाइनल हो चुकी है, मगर सिर्फ प्लास्टर के लिए। और जो है कि अभी पूरा ये कलर वलर सारा कुछ बाकी है, तो अभी सारा मैनेजमेंट किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में इस पर जो है कि टाइम है, तो वर्क भी चल रहा है। और ये देखिए अभी सारा कुछ गेट वोट लगाना अभी सारा कुछ बाकी है, तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो बहुत सारे आगे के साइड में 2-3 रूमें जो हैं उनमें गेट लगे हुए हैं, तकरीबन 3 रूमों में, और बाकी के साइड रूमों में भी जो है कि अभी गेट लगाने बाकी हैं, और प्लास्टर का काम था वो भी चल रहा था। तो आइए थोड़ा सा हम अंदर के साइड में चलकर थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। और जिस तरह से जो है कि ये देख रहे हैं सीढ़ी बनाई गई है, उसी हिसाब से जो है कि ये यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है कि सीढ़ी अपना बनाई जाएगी। और क्या कुछ अपडेट चल रहा है थोड़ा सा चलते हैं अंदर के साइड में, और थोड़ा सा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए पहले जब हम आए हुए थे तो यहाँ पर ये फर्श का काम पूरा सेम ऐसे ही था, तो ये अभी फर्श का काम नहीं किया गया है, और आगे के साइड में पूरा अभी काम बाकी है, तो इस पर वर्क चल रहा है, और कुछ प्लास्टर का काम बाकी है तो वो भी हो रहा है यहाँ पर। तो अभी इस पर समय है, तो जैसे जैसे फाइनल होता है वैसे वैसे वर्क होता है यहाँ पर। ये देखिए काम किया जा रहा है प्लास्टर का, और ये और आगे के साइड में भी हम चलकर थोड़ा सा जो है कि दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए पूरा बिल्डिंग फाइनल कर दिया गया है, थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पर देखिए, ये जंगले का काम है, तो इसका काम पूरा बाकी है बर्जे उर्जे लगाने का, और आगे के साइड में ऐसे ही सेम काम चल रहा है इस बिल्डिंग पर। और थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए पोल गीला हुआ है, ये देखिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक खंभे का पोल यहाँ पर गिरा हुआ है, जो फाउंडेशन तैयार हो चुके हैं वो उन पे लगाने के लिए ये काम किया जाएगा, और मुमकिन यहीं से जो है कि लात के आगे के साइड में जा रहा होगा, तो वहाँ पर वर्क चल रहा है। हमने बताया था पहले वीडियो में कि इंदारा से 2 किलोमीटर पहले छोड़कर जो है कि पूरा ये काम स्टार्ट किया जाना है पोल का, और काम चल रहा है। तो यही सारा कुछ अपडेट है इस गोपागंज रेलवे स्टेशन पर, और क्या कुछ नया पुराना आता रहता है अपडेट सारा कुछ हम क्लियर करते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं। तो आइए हम चलेंगे दूसरे गेट पर, और सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अपडेट चल रहा है, और सिग्नल बिल्डिंग के क्या अपडेट है वो भी हम चलकर जो है कि आज इस वीडियो में क्लियर आपको दिखा देंगे और बता भी देंगे। और ये देखिए ये सेम ऐसी जगह अभी तक खाली है, तो ये मुसाफिरों के लिए जो है कि मुसाफिर खाना ये बनाया जाएगा, उठने बैठने के लिए जो है जैसे कि हर स्टेशन पर बनाया जाता है उसी तरीके से। तो आगे के साइड में हम लेकर चलेंगे आपको, और पूरा क्लियर हम करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लोगों ने जो है कि कमेंट भी किया था कि क्या काम हो रहा है क्या चल रहा है, तो सारा कुछ अपडेट आज हम चल कर वहीं पर देते हैं। तो आइए चलते हैं वहीं पर लेकर और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहां से आगे के साइड में हम लेकर चलते हैं और दिखाते हैं, ये देखिए पाटिया का कितना काम किया गया है, सारा कुछ अपडेट हम आज आपको दिखाएंगे और आपको देखकर ही जाना है। और ये देखिए यहाँ पर फाउंडेशन सारे कुल ऑलरेडी बन चुके हैं, सिर्फ लगाने बाकी हैं, तो यहाँ पर भी काम किया जाएगा। तो जैसे जैसे काम होता है सारा कुछ अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो आइए आगे के साइड में चलेंगे और पूरा आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर भी देखिए ये फाउंडेशन, ये बहुत जल्द जो है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल जो है कि लगना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमने बताया था कि 2 किलोमीटर पहले से जो है कि कल के डेट में जो है कि पोल लगना स्टार्ट किया गया है। और ये देखिए, तो ये सारे जब लगेंगे तो सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और आगे के साइड में चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ तक जो है कि ये पटिया लगाया गया है देखिए, और तकरीबन बीचों बीच ये पटिया लगाया गया है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और अभी काम बाकी है। तो जैसे कि यहाँ पर इतना अभी सारा लगाना बाकी है, तो तकरीबन अगर ये लोग करना चाहें तो 2 से 3 दिन के अंदर में इसको पटिया लगाकर जो है कि पूरा फाइनल कर सकते हैं, मगर आगे के साइड में वो फाइनल कर रहे हैं जाकर वहाँ पे जो हमने बिल्डिंग के पास दिखाया था। तो आइए हम चलेंगे दूसरे गेट पर वहाँ पर, और थोड़ा सा बिल्डिंग का आपको नज़ारा दिखाएंगे क्या कुछ अपडेट चल रहा है।
और यहाँ पर हम बता दें कि दूसरे गेट पर हम आ चुके हैं और यहाँ से देखिए आगे के साइड में वर्क चल रहा है अंडर पास का जो नया बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम चलकर पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को अंत तक आपको देखना है और कहीं नहीं जाना है। और ये सीधा सामने के साइड में थोड़ा सा सूरज का धूप लग रहा है, इस वजह से जो है कि वीडियो कालापन थोड़ा आ रहा होगा, मगर हम पूरा इस वीडियो में आज जो है कि कोपागंज से लेकर अंडरपास तलक और बिल्डिंग तलक का सारा क्लियर करेंगे और क्या कुछ अपडेट चल रहा है सारा कुछ हम दिखाएंगे। और यहाँ से घुमाकर दिखाते हैं, ये देखिए इस पर भी तीन लाइनें बिछाई जाएंगी, मगर फिलहाल में जो है कि अभी एक लाइन बिछाकर जो है कि पूरा काम किया जा रहा है। और किस तरह से जो है कि ट्रैक्टर पे वो कंक्रीट लाद कर लेकर जाया जा रहा था सारा कुछ हमने दिखाया आपको। तो चलिए आइए आगे के साइड में थोड़ा सा बिल्डिंग का नज़ारा आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में।